ये भाई रुक जाओ, रुको ना जी, हम लोगों को बताओ शारदा सिन्हा का घर कौन सा है? ये वाला। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जसवाला एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग जाने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत के घर जिन्होंने अपने मधुर आवाज़ से बिहार के मान और सम्मान को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 ईस्वी को बिहार के सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड के हुलास पंचायत में हुआ था एवं 1995 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री एवं 2018 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि हम सभी बिहारियों के लिए काफ़ी गर्व की बात है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग आज हुलास और दिखाते हैं आपको शारदा सिन्हा जी का वो घर जहाँ पे उनका जन्म हुआ और जहाँ उनका बचपन बीता है। ओके गाइस, तो राइट नाउ अभी हम लोग पहुँच चुके हैं राघोपुर और राघोपुर से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर हुलास पंचायत स्थित है, तो यहाँ से चलेंगे हुलास, तो इस वीडियो में बने रहिए। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग हुलास पंचायत में प्रवेश कर चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग पता करते हैं यहाँ के लोगों से कि शारदा सिन्हा जी का घर कौन सा है। ठीक है, तो हमें ये बाबा मिले हैं, इनसे हम लोग जानते हैं कि शारदा सिन्हा जी का घर किधर है, बताइए आप। हाँ चलिए बता देते हैं, आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे? हाँ। आगे से किधर? तब पश्चिम मुहाना पड़ेगा। आगे से पश्चिम? हाँ चलिए ना हम घर। ठीक है, शारदा सिन्हा का भाई है उसके होम्योपैथी डॉक्टर। हाँ चलिए बढ़िए, आगे चलो, आगे आगे से चलिए, आगे हम वहाँ पहुँचा देते। ये भी देखते हैं वहाँ जो खड़ा है, हाँ ठेला जा रहा है, हाँ वो चले जाएगा इधर, हाँ इधर से चले जाएगा फिर पश्चिम है, हाँ पश्चिम मुझे लास्ट जा जाएगा, हाँ आगे बगीचा है, बगीचा के जस्ते दक्षिण मोड़ लेगा तो उसके घर है, उसी का घर है। चलिए बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से 4 रास्ते जा रहे हैं, पता नहीं कौन से रोड में है। अब यहाँ पे हम लोगों को पता करना होगा कि शारदा सिन्हा जी का घर कौन सा है, तो चलिए देखते हैं कोई मिल जाए यहाँ। यहाँ दूर दूर तक कोई नज़र तो नहीं आ रहा है हम लोगों को, काश कोई मिल जाए तो। ये भाई रुक जाओ, रुको ना जी, हम लोगों को बताओ शारदा सिन्हा का घर कौन सा है? ये वाला। तो फाइनली हम लोगों को पता चल गया उनका घर शायद वो वाला है, ये जो वाइट बिल्डिंग है वही ना। ओके वो वाइट बिल्डिंग वाला। तो चलिए गाइस चलते हैं आगे। ओके गाइस, तो फाइनली हमारी मुलाकात एक अंकल जी से हुई है जो कि शारदा सिन्हा जी के घर की देखभाल करते हैं, तो आइए हम लोग अंकल जी से बात करते हैं और जानते हैं शारदा सिन्हा जी के घर के बारे में। तो अंकल जी आपका क्या नाम हुआ? सुधीर राय। सुधीर राय, तो अंकल जी क्या यह वही घर है जहाँ शारदा सिन्हा जी का जन्म हुआ था और उनका बचपन बीता है? हाँ वही घर है। तो अंकल जी आप ये बताइए, आप कितने दिनों से शारदा सिन्हा जी के घर की देखभाल कर रहे हैं? 2 साल से। 2 सालों से ये शारदा सिन्हा जी के घर की देखभाल करते हैं। अभी शारदा सिन्हा जी यहाँ आती हैं? नहीं आया है, 1 साल से नहीं आया। तो 1 साल से लगभग हो गया है वो यहाँ नहीं आई है। और उनका कोई रिश्तेदार अगल बगल में रहता है? नहीं, उनका रिश्तेदार भी यहाँ कोई नहीं रहता है, तो ये घर एकदम खाली पड़ा हुआ है। ओके अंकल जी, अब आप ये बताइए लगभग आप कितने दिनों से ये घर देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल हो चुका है लगभग ये अंकल जी शारदा सिन्हा के घर की देखभाल कर रहे हैं। तो गाइज आप लोगों ने देखा यही है शारदा सिन्हा जी का घर, जो कि बिहार की काफ़ी मशहूर गायिका है और काफ़ी लोग उन्हें प्यार करते हैं। तो आइए हम लोग दिखाते हैं आपको इनके घर का सीन थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट में।
ओके गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को इस वीडियो को दिल खोलकर प्यार देना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है और हमें मोटिवेशन देना है ताकि हम आगे भी इस तरह की वीडियोज बना सकें।